तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक ट्रैम्पोलिन। जी हाँ गाइस, ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन वही होता है जिस पे हम बंदरों की तरह उछलते हैं कूदते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैम्पोलिन बना हुआ होता है उस जगह पे, उसको तो प्रोफेशनल लोग बनाते हैं एंड उसको बनाते हैं काफ़ी कॉस्टली। जो उसका मटेरियल जो होता है काफ़ी महंगा और अच्छे क्वालिटी का होता है और वो काफ़ी इलास्टिक होता है, तो वो तो हम अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन चलो फिर बनाएंगे, फिर मज़ा ही क्या आएगा। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, पहले ट्रैम्पोलिन देख सकते हैं, उसके लिए बनाने के लिए फ्रेम बना चुके हैं। इसके लिए बैम्बू का फ्रेम भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी वेट को ये सह सकता है। एंड जो ट्रैम्पोलिन बनेगा गाइज, वो हमारा बनेगा इस ट्यूब से। जी हाँ गाइज, हम बनाने वाले हैं जो ट्रैम्पोलिन वो ट्यूब से, एंड 100% ट्यूब से ही बनेगा इसमें, बिकॉज ट्यूब भी काफ़ी इलास्टिक होता है। एंड देख सकते हैं नीचे काफ़ी मेरे पास है ये। एंड अगर मैं इसका डायमेंशन का बात करूं तो देख सकते हैं ये मेरे पास मेजरमेंट टेप है, एंड अराउंड 70 इंचेस, अराउंड 6.5 फीट इसका लेंथ है। एंड 6 यही सही है, तो यहाँ पे 7 फीट है, सॉरी 6 फीट ही कहिएगा, ये 6 फीट ही। इसका अगर वो रहा वो वाला लेंथ इसका, और अगर मैं इस लेंथ का बात करूं तो वो भी है लगभग ये भी लगभग 6 फीट का ये भी है। ये का स्क्वायर में बनेगा, इसका डायमेंशन है 6x6 फीट। तो चलिए, आइडिया काफ़ी सिंपल है, तो हम इसको बनाएंगे इन ट्यूब के हेल्प से। सबसे पहले तो इस ट्यूब को, ये हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, आ जाओ। इधर आ जाओ। हम इसको कुछ ऐसे फिट करेंगे, ये हो गया एक फिट। हम इसको करेंगे, दूसरे को फिक्स करेंगे। अब करेंगे इसको, दूसरे को फिक्स करेंगे। देख सकते हैं अब ये काफ़ी मजबूत हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, देख सकते हैं। एंड हमारा ट्रैम्पोलिन इससे बिल्कुल भी मस्त बनेगा। तो चलिए अब पूरा इसको करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। Hidden inside of this vessel, that shit is so expensive.
फाइनली ये इस वाले अगर इधर से देखें तो वर्टिकली हो गया है, अब हॉरिजॉन्टली बाकी है। अब हॉरिजॉन्टली हम लोग कैसे बनाएंगे, देख सकते हैं पहले वर्टिकल देख लीजिए, इसको हम फिट कर दिए हैं। अब करते हैं इसका हॉरिजॉन्टल को फिट, हॉरिजॉन्टल को हम इस तरह फिट करेंगे, इस तरह का खाट खाट वगैरह में देखे होंगे आप, एक ऊपर एक नीचे रहता है जिससे फिजिकल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है। कुछ इस तरह से हम बनाएंगे उसको, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए इसको फाइनली पूरा करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। एंड अब लेते हैं इसका टेस्ट, चलते हैं तो आराम से। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं एंड ही गाइस माय वेट इज अराउंड 75 kg एंड 75 kg को ये आराम से सह रहा है गाइस, देख सकते हैं आप, ये 100% वर्किंग है एंड ये काफी लोड को ये झेल सकता है। एंड इस पे तकरीबन 3-4 लोग एक साथ भी बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इस पे। तो यार फाइनली इतना मेहनत किए, पूरा सक्सेसफुल रहा ये प्लान मेरा। यार अब तो अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर देना यार जरूर से, एंड फिर मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।